if these and these are direction cosines of two mutually perpendicular lines, show that the direction cosines of the line perpendicular to both of these are these. ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो lines हैं जिसके direction cosines ये हैं और वो दोनों आपस में perpendicular हैं. आप अब ऐसी line जो इन दोनों lines के further perpendicular है, आप उसके direction cosines निकाल कर दीजिए. ठीक है, पहले तो हम question को समझ लेते हैं. आपको मालूम है कि अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं जिनके डायरेक्शन को साइंस ये हैं, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी ही होगी, राइट. फर्दर आपको मालूम है कि डायरेक्शन को साइंस की स्केयर्स का सम 1 के इक्वल होता है. सो इसकी इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या भी ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे और इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस भी ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे. आपके पास ये तीन कंडीशन आ गई, बिल्कुल आ गई. अब आप सुनिए, हमें निकालनी है डायरेक्शन को साइंस ऐसी लाइन के जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हों. सो हम मानकर चलते हैं वो है हमारे LMN. डायरेक्शन को साइंस है उस लाइन के जो परपेंडिकुलर हैं उन दोनों लाइनों के जिनके डायरेक्शन को साइंस हमें गिवन है, एक ए और एक ए. ठीक है, सो हम अब इनके वेक्टर इक्वेशंस निकाल लेते हैं डायरेक्शन को साइंस हमें दे रखे हैं उनमें से, राइट. सो सपोज ये हमारा ए वैक्टर है, ये हमारा बी वैक्टर है. ठीक है, हमने वो लिख दी. सपोज ये हमारा सी वेक्टर है, हमें सी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस चाहिए. ठीक है, अब सुनिए, आपके पास आपको मालूम है कि अगर हम ए क्रॉस बी करें तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और सी हमारा ऐसा ही तो वेक्टर है जो ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. सो हमने सी लिख दिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. ठीक है, सो हमारे पास ए क्रॉस बी कर कर ये पूरा हमारे पास सी वेक्टर आ गया, बिल्कुल आ गया. यस, ये आ गया हमारा सी वेक्टर. ठीक है, इसको हम अच्छे से दिखाएं तो ये आ गया हमारा पूरा सी वेक्टर. ओके, अब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, एक बार फिर भी देख लीजिए. सो आप फर्स्ट रो के साथ इस डिटरमिनेंट को खोल रहे हैं, दैट इज़ आई जे के कैप के साथ. ठीक है, सो आप क्या करेंगे, पहले आई कैप को यहाँ पर रखेंगे और फिर ये वाली पूरी लाइन छोड़ देंगे. ठीक है, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और विचकार में माइनस. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जे को उठाएंगे, यहाँ पर जे लिखेंगे और जे के साथ हमें माइनस लिखना होता है. फिर हम ये वाली लाइन रो छोड़ देंगे, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर ये आ जाएगा. ठीक है, विचकार में माइनस, इसको इस साथ करने के बाद माइनस ऑफ दिस क्रॉस दिस. ठीक है, फिर हम के कैप को उठाएंगे. ठीक है, फिर हम ये वाली पूरी रो छोड़ देंगे और कॉलम, और फिर इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. ठीक है, सो हमारे पास आ गया सी वैक्टर जो ए एंड बी वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा. अब सुनिए, हमारे पास जो सी वेक्टर आया था उसमें जो हमारे आई जे के कैप के साथ पड़े थे वो एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियोज थे उस सी के. ठीक है, हमारे पास हमेशा डायरेक्शन रेशियोज ही आते हैं, डायरेक्शन को साइन हमें अपने आप बनाने पड़ते हैं. ठीक है, सो सिंपल सी बात है, ये आए थे आपके डायरेक्शन रेशियोज उस सी वेक्टर के. डायरेक्शन को साइन इसके इक्वल होता है डायरेक्शन रेशियोज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, सिंपल डायरेक्शन रेशियोज की स्केयर के सम के इक्वल, दैट इज दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर, राइट. ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड. अब आपको चाहिए क्या, आपको डायरेक्शन को साइंस चाहिए जो हमारे ये पड़े हैं. बेसिकली आपको सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मीन्स आपको ये अंदर वाली टर्म चाहिए किसकी इक्वल होगी. बड़ी कन्फ्यूजन वाली आपको दिखाई दे रही है, बट इतनी कन्फ्यूजन वाली है नहीं, जस्ट बहुत सिंपल सी बात है. हमने आपको स्टार्टिंग में ही तीन कंडीशंस बता दी थी, राइट. 1, 2 and 3, आपको क्या करना है, 2 वाली को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन की स्केयर में से. ठीक है, जस्ट आपको ये वाला पार्ट करना है, इससे आपके ये निकलाएगा. आपने ये वाला पार्ट किया, अब आप देखिए 2 हमारा ये था, थर्ड इक्वेशन ये थी, माइनस फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, उसकी हमने स्केयर कर दी. नथिंग बट आपको सभी को ओपन कर देना है, सभी को आपने खोल दिया. आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल कर होल ऑफ मल्टीप्लाई कर दीजिए. इन दोनों की पूरी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास यहाँ तक खुली है. ठीक है, उसके बाद हमने इसकी स्केयर खोल दी जो कि इसकी इक्वल होती है ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस सी की स्केयर, राइट. ये माइनस बार पड़ा था, हम माइनस माइनस अंदर लेके चले गए सबके साथ, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट. ओके, इतना आ गया आपके पास. अब आप ध्यान से सुनिए, आपने 2 क्रॉस 3, राइट, माइनस फर्स्ट इक्वेशन की स्केयर की थी. आपको मालूम है सेकंड इक्वेशन हमारी 1 की इक्वल थी, थर्ड इक्वेशन 1 की इक्वल थी, फर्स्ट इक्वेशन 0 की इक्वल थी. 1 क्रॉस 1 प्लस 0 इज 1, दैट इज़ ये आपका पूरी चीज़ आपकी 1 की इक्वल है. ठीक है, देखिए आपने ये सभी ओपन कर दिया. अब आप देखिए कटिंग्स क्या हो रही हैं. सो देखिए
क्या क्या कट हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, फर्दर देखिए आपके पास ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअली में ये वाली वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए आप ये पूरा ताम झाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। सो आप चाहते हैं आपके पास m1 n2 माइनस m2 n1 की स्केयर हो, ठीक है। दैट इज़ देखिए m1 n2 कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर m1 n2 हेयर ये पड़ा है, इसको उठा लीजिए, प्लस m2 n1 की स्केयर प्लस m2 n1 की स्केयर, ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है हमारे पास, राइट, इसको उठा लीजिए। दिस प्लस दिस माइनस ऑफ दिस टर्म, ये तीनों टर्म्स जोड़कर हमारे पास ये बन रहा है, ये बन गया, वैसे ही डिट्टो ये दोनों बनेंगी, कैसे आप खुद देख लीजिए। एन वन एल टू की स्केयर, राइट, एन वन एल टू की स्केयर प्लस एन टू एल वन की स्केयर माइनस ऑफ दिस, इन तीनों टर्म्स को मिलाकर आपके पास ये बन जाएगा, वैसे ही एल वन एम टू की स्केयर प्लस एम वन एल टू की स्केयर, और उसके साथ ये टर्म मिलाकर आपकी ये टर्म बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। सो आपके पास ये पूरी टर्म की वैल्यू एक्चुअली वन की इक्वल आ रही है, आपने पहले ही देखा था ना, दैट इज़ टू क्रॉस थ्री माइनस वन की स्केयर जो आपने की थी इक्वेशंस की, वो सभी इक्वेशंस एक्चुअली में जिसके इक्वल थी वन क्रॉस वन प्लस जीरो के, दैट इज़ इधर वन 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 आ रहा था, दैट इज़ आपके पास पूरी वैल्यू की आ गई आपके पास वन के इक्वल, ठीक है। सो आपको जस्ट करना क्या है, ये आपका सी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ वन के इक्वल, दैट इज़ वन के इक्वल, दैट इज़ आपको हर एक के नीचे अगर वन 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 लगाएंगे वो आपके डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे। सो आपके पास आ गए एल डायरेक्शन को साइन, दिस अपॉन दिस, दैट इज दिस इज द सेम थिंग, एम ये आ गया, एन ये आ गया, बिल्कुल डिटो, बड़ा इजी क्वेश्चन था।